नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले लखनऊ की खबर है, जहां आज मजदूर दिवस है तो वहीं मजदूर की करंट लगने से हुई मौत। आपको बता दें कि घटना काकोरी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव का है, जहां लॉकडाउन के होने के बावजूद भी राम सनेही के घर निर्माण कार्य लगातार चल रहा था। निर्माण कार्य होने के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें मजदूर के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं सुनील चौरसिया नामक युवक की मौत होने के बाद पुलिस खाना पूर्ति कर चलती बनी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे की मुस्कान बने एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस हर संभव प्रयास करने को अग्रसर है। ऐसे में पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में भी अपने कर्तव्यों का सही पालन हुसैनगंज पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी लक्ष्मी वैश के घर पर किराए पर रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति निर्मल गुप्ता व आशा गुप्ता की लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी सूचना एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा को प्राप्त हुई, जिसके बाद उनके आदेशानुसार हुसैनगंज थाना प्रभारी अंजनी कुमार पांडे ने बुजुर्ग दंपत्ति से मुलाकात कर उनका हाल चाल लिया। इस दौरान इंस्पेक्टर हुसैनगंज को ये ज्ञात हुआ कि दिनांक 30 अप्रैल को बुजुर्ग दंपत्ति की 43वीं शादी की सालगिरह थी, जिसकी सूचना उन्होंने एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा को दी। सूचना पाते ही एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा ने उनकी शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए उचित व्यवस्था कर उनके लिए कुछ उपहार स्वरूप राशन की सामग्री भी उपलब्ध कराई। पता हुआ है तो थाने के माध्यम से, और पता हुआ कि जो गुप्ता दंपति जी हैं, यहाँ पे इनकी मैरिज एनिवर्सरी है और 43 मैरिज एनिवर्सरी इनकी है, और इनकी बेटी चूँकि कानपुर में रहती है, यहाँ वो दोनों किराए पे रहते हैं और इनके साथ है और कोई नहीं है, और जो इनके मकान मालिक हैं वो काफ़ी अच्छे इन पर ध्यान रखते हैं। तो हम सब ने सोचा कि चूँकि थाना और इनका घर एकदम पास पास में है, और जब एक जानकारी में आया तो हम सब ने इनके साथ इनकी मैरिज एनिवर्सरी मनाने की बात आज सोची, और इन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है कि हम भी पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं, तो जिस तरह से हम अपने माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, उसी तरह की भावना की अनुभूति आज यहाँ पे हो रही है। अगली खबर गोरखपुर की है, जहां गोरखपुर में कोरोना संक्रमण का दूसरा मामला आया सामने। आपको बता दें कि गोरखपुर में मंगलवार को संक्रमित महिला पिता के साथ दिल्ली से गोरखपुर लौटी थी। दिल्ली में महिला का सफदरगंज अस्पताल में लीवर संक्रमण का इलाज चल रहा था। हालत में सुधार न होता देख परिजन गांव आ गए। गांव पहुंचते ही गांव वालों ने इनका विरोध किया और ग्राम प्रधान ने क्वारंटाइन के लिए सभी को जिला अस्पताल भेज दिया, जिसमें संगीता पॉजिटिव मिली। इसकी पुष्टि गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नारिलकर ने की और बताया कि बास गांव की एक महिला परसों दिल्ली से एम्बुलेंस से घर आई थी। मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद कोरोना की पुष्टि हुई। जिले में अब 2 कोरोना पॉजिटिव हुए। देखिए, जैसा कि पहले केस में हुआ था, दूसरे केस में भी ये दिल्ली से एम्बुलेंस में पूरा परिवार आया था, और इसमें एक जो बच्ची नहीं, 35 साल की जो महिला है, संगीता उनका नाम है, उनको पॉजिटिव पाया गया है। और इसमें अच्छी बात यह है कि पुलिस और अधिकारियों के सहयोग से गांव में ये नहीं गई थी, ये परिवार सीधे डाइवर्ट किया गया था सरकारी चिकित्सालय में, और वहाँ पर इनका टेस्टिंग के बाद में ये पता चला कि ये पॉजिटिव हैं, और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब लोग अब आ रहे हैं विभिन्न प्रांतों से शासन के निर्देशानुसार, हमें और सतर्कता बरतनी होगी। स्पेशली हमने एम्बुलेंस के लिए निर्देश ये दिए हैं, और अभी हम लोग की बैठक भी है कि एम्बुलेंस जो भी आ रही हैं वो सीधे गांव में नहीं जाएंगी, डायरेक्टली गांव में जाने से पहले उनको जो है हम सरकारी चिकित्सालय निकटस्थ जो है वहां पर लें, डॉक्टर उनकी स्क्रीनिंग करें, और स्क्रीनिंग उनका जब क्लियरेंस मिलेगा तो ही एम्बुलेंस गाँव में घुसेगी। और आपके माध्यम से मैं गाँव के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि यदि वो पाते हैं कि एम्बुलेंस सीधे गाँव में आ गई है तो वो तुरंत हमें सूचना दें। उनके पास 112 नंबर है, कंट्रोल रूम नंबर है, CMO सारे नंबर हैं, वो तुरंत सूचना दें, और जब तक वो एम्बुलेंस वो सुनिश्चित ना कर लें कि एम्बुलेंस जो है वो उसका परीक्षण यहाँ के जिला के चिकित्सालय द्वारा नहीं किया गया है, वो थोड़ा सा सावधानी बरतें। लेकिन
इसके साथ साथ हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले। ये सारी चीज़ें संवेदना के साथ की जानी है, क्योंकि ये एक ऐसी क्राइसिस है जिसमें हम सबको संवेदना के साथ आगे बढ़ना है और पूरे समाज को बचाना है। सर, गोरखपुर के अलावा महाराजगंज में एक बार फिर से कोरोना वापस आया है लौट करके, तो क्या कहीं हम लोगों से चूक हो रही है, कहीं हम लोग सावधानियां नहीं बरत पा रहे हैं? देखिए, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डेथ का परसेंटेज पॉजिटिव केसेस में है, बहुत देशों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम है, और ये तभी हो पाया है जबकि ये पूरी एक आंदोलन जो इससे बचाव का जन सहभागिता के साथ चल रहा है, उसमें सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। यदि कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज है या संदिग्ध मरीज है, उसको सामने आना चाहिए। ये इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, हमारे यहाँ पॉजिटिव है। इसमें कोई हमें जो है भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम पहचानें कि कोरोना पॉजिटिव कहाँ है, हम उसको जल्दी पहचानें, उसके और कॉन्टैक्ट को ट्रेस करें, और सभी को हम हॉस्पिटल में ट्रीट करें नियमानुसार। ये हमारी प्राथमिकता है। महाराजगंज का जो केस आप बता रहे हैं, वो 40 साल का युवक है, और वो भी एक वीक पहले मुझे बताया गया है दिल्ली से आया। और तो बेसिकली मुझे लगता है जो हमें रिपोर्ट आई है कि हमारे मंडल में और जनपद में कहीं बहुत संक्रमण नहीं है। ये दिल्ली से जो लोग आए हैं उनमें ये दोनों तीनों केस हुए हैं, और इसलिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमें घर के अंदर भी बरतनी पड़ेगी, लेकिन हमें बाहर भी ये सावधानी बरतनी होगी, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन यदि ऐसे पॉजिटिव केस हमें पता चलते हैं, तो उसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमको ठीक है। अगली खबर हरदोई जिले की है, जहां जनता लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही है तो पुलिस ने की कार्रवाई। हरदोई जिले की तहसील संडीला अंतर्गत संडीला नगर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आम नागरिक पर कार्रवाई पुलिस ने की। कुछ लोग बहाना बनाकर घर से निकल रहे हैं। पुलिस के पूछे जाने पर असंतोषजनक जवाब देने पर पुलिस ने कार्रवाई की। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।